तो मेरा यही रहेगा कि पैर ना टिकाऊं। 3 घंटे में 40 किलोमीटर कवर किए। श्रृंखला पास भी अपना हो चुका है और यहाँ चूँकि अच्छी लेवल की एक वाटर क्रॉसिंग, तो चलो ट्राई तो मेरा यही रहेगा कि पैर ना टिकाऊं, बट लग नहीं रहा। ओए होए 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 चलो 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 चलो, हाथ पैर जाम हो चुके हैं भाई। हे भगवान, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। ओए 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 ओए, ये फिर से वाटर क्रॉसिंग और धर्मेंद्र भैया ने पैर टिका लिए थे बट मैं पैर नहीं टिकाऊंगा भाई। मज़ा तो आ रहा है, नो डाउट मज़ा तो आ रहा है। होय 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 होय, 3 घंटे में 40 किलोमीटर कवर किए। ये पहाड़ साथ में ये ऑफ रोडिंग, वाइजर खोल रखा है और सर में दर्द स्टार्ट हो रखा है क्योंकि ठंड इतनी है यहाँ पर, जो भी हमसे झेली नहीं जा रही। और ये आ चुकी है भाई चढ़ाई, सीधी पीक चढ़ाई आ गई भाई एकदम। कुछ कुछ पैचेस तो ऐसा लग रहा है सच पास से ज्यादा हार्ड है। बट किलर किश्तवाड़ उसकी चढ़ाइयाँ, होए होए भाई, बहुत ज्यादा नैरो रोड हो गया है। ये लगा लो, बोलने से सर दर्द हो रहा है, कैमरा बंद कर नहीं सकता क्योंकि इतनी एडवेंचरस राइड हो रही है कि मन कर रहा है बस आपको दिखाऊं, और कैमरा बंद करने का मन नहीं है। बोल रहा हूं तो सर दर्द हो रहा है। वहां एक बाइकर दिखाई दे रहा है मुझे, अब ये नहीं पता कि वो लोकल है या फिर वो कहीं बाहर से है। कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। सर आगे स्टे का है कहीं? है। कितना आगे? यहाँ से 7-8 किलोमीटर के बाद एक कैंटीन है। ठीक है, रहने का भी व्यवस्था भी है, सब कैंप साइट है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये भाई ने बताया कि 7-8 किलोमीटर नीचे चले जाओ, टेंट बने हुए हैं वहाँ, उसमें कैंटीन भी है और रुकने का भी है। तो चलो जी, आज टेंट के मजे लेंगे। ओए होए, सामने देखना एकदम कैसे पीक चढ़ाई आ गई भाई। कहीं है ढलान तो कहीं है चढ़ाइयाँ, भगवान सबको चढ़ती कला रखे। ओए होए ओए होए, और यहाँ तो मिट्टी है तो राइट हैंड से चलने देते हैं। अगर स्लिप हुए ना तो सोचो 14-15 हज़ार फीट नीचे जाऊँगा। अरे भगवान, जय माता दी। ओ हो, कहीं है सूखा तो कहीं है गीला, ये है रेगिस्तान तो पीछे था हिमाचल। हो, जस्ट जोकिंग गाइस, जस्ट जोकिंग। बस क्या करूं, ये रोड समझा ही नहीं पा रहा हूं आपको कि कैसे समझाऊं क्या है ये चीज़। एंड एक थार आ रही है ऊपर वाली साइड,
लिटरली बता रहा हूँ, पिछले 8-10 किलोमीटर से पहला गियर से अलावा दूसरा गियर नहीं लगाया है भाई। अगर ये व्लॉग लंबा हुआ ना तो 2 पार्ट में बनाऊंगा, बट बोर नहीं होने दूंगा आप लोगों को, इंटरेस्टिंग ही दिखाऊंगा। और अभी आ रहा होगा आपको विंड नॉइस, तो बस उसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैंने वाइज़र ओपन किया हुआ है, वाइज़र बंद करता हूँ तो फॉग आ जाता है, और इस नॉइज़ कैंसिलेशन के चक्कर में अपनी नाक की कुल्फ़ी जमाए बैठा हूँ, सर में दर्द भी हो रहा है, बट फिर भी आप लोगों के लिए व्लॉगिंग कर रहा हूँ। सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए भाई लोगों, फूल रही है यार, जबकि अभी तो हम कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ एक बाइक चला रहे हैं। बट हाँ, बाइक को संभालना कोई मजाक नहीं है, बहुत टेढ़ी चीज़ है यहाँ पर, सांस क्या सब कुछ फूल जाए भाई यहाँ तो। ओए होए हो ठंड भाई, ये जो हवा चल रही है ना, खैर आवाज़ तो आ ही रही होगी आपको विंड की, अब सोचो मेरा क्या हाल हो रहा होगा। तो भाई यहाँ आज भी कुछ नहीं है किलोमीटरों तक, ओए होए ये आ गई भाई बड़ी वाटर क्रॉसिंग, तो इसमें तो शायद से पैर टिक सकता है, भगवान ना टिकाए तो ज़्यादा बढ़िया है, जूतों में पानी घुस गया ना बहुत हार्ड है, आ जाओ आ जाओ ओ भाई धर्मेंद्र भैया की बारी, ये टिकाए इन्होंने पैर, ये टिका दिया ओ भाई कंटेंट अच्छा मिल रहा है मुझे, आओ ओ भाई ये आ जाओ आ जाओ Awesome! मैंने एक भी पैर पैर नहीं टिकाया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। ओ भाई अब गया पानी दो वापस से, हो ठंडे हो गए पैर दोबारा से, ये तो अच्छा है, थोड़ा अंधेरा लेट होता है, नहीं तो ऑफ कोर्स 7 बजने वाले हैं और अंधेरा होने से पहले बस भगवान मिल जाए मैं कोई टेंट वेंट, क्योंकि दिन में तो चलो हम चल रहे हैं, रात में नहीं चला जाएगा भाई। ओ भाई मेरे तो पैर गए, फुल ऑन ठंडे हो चुके हैं, टेम्परेचर अभी बाइक बता रही है 6, मेरे हिसाब से भाई 2 या 1। तो आतंकवादी आ चुके हैं भाई, आतंकवादी नहीं, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, व्लॉग आप पूरा देख रहे हो, रास्ते में जो मेरी हालत हुई है, मेरी बैक बहुत दर्द मार रही है, लास्ट में आके एक टेंट मिला है, इसमें रुके हैं, इसका ये भी नहीं पता कितने रुपए चार्ज है क्या नहीं, अभी सब पूछेंगे। इनका जो वो मेन टेंट है वहाँ पर सब खाना पीना कैंटीन वगैरह सब वहाँ पर है, और यहाँ अपन ने अपनी बाइक पार्क की हुई है, और ये पीछे नज़ारा, और वहाँ पीछे भाई बड़े वाले टेंट्स बने हुए हैं, और वहाँ ऑलरेडी बाइकर्स वगैरह सब रुके हुए हैं, सो वहाँ स्पेस था नहीं। ये भी एक कैंप लगा हुआ है, यहाँ टेंट्स लगे हुए हैं, और वो आपको दिख रहे हैं भाई, वो क्या हो सकता है सोचो भाई, वो ना टॉयलेट है और हमें वही यूज़ करना पड़ेगा। ठंड इतनी ज़्यादा है भाई, राइडिंग गियर की इनर पहन रखी है, अंदर वार्मर्स पहने हुए हैं, शॉल उड़ी हुई है, कोल्ड वाला बारह क्लावर लगाया हुआ है, सांस इतनी फूल रही है। अभी अंदर जा रहा हूँ, चाय पीऊँगा, साथ में ऑमलेट वगैरह खाऊंगा, बहुत भूख लग रही है भाई, लग रहा हूँ ना पूरा आतंकवादी। अब बताओ ये बताओ डाका कहाँ डालना है, आप लोग सब्सक्राइबर का डाका डलवाओ, सब कहाँ से कहाँ टर्न हो गए हमें खुद को नहीं पता लगा, जाना था लेह आगे शिंकुला पास। एनीवेज भाई लोगों मिलते हैं कल, अब हमसे बात नहीं की जा रही बिकॉज़ यहाँ सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और जो भी मेरे इस चैनल पर नया है भाई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।